हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज कीमा और ये कीमा हम बनाएंगे सोया चंक से। मेरा नाम संतोष है, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक कप सोया चंक लेंगे और उसको गर्म पानी में भिगो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उससे ये अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए कैसे ये फूल गए हैं और थोड़े नरम हो गए हैं। अब हम इनको एक बार ठंडे पानी से धो लेंगे और फिर एकदम निचोड़ कर इसको मिक्सी में डालेंगे और इसका दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ये हमारे सोया चंक्स पिस गए हैं एकदम दरदरे। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 कप दही डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही और मसाले का स्वाद सोया चंक्स के पेस्ट के अंदर अच्छे से रम जाए। जब तक ये सेट होता है, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैं 2 प्याज लूंगी और उसको मिक्सी में डालेंगे, 3 से 4 लहसुन की कली लेंगे, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। अब हम 2 टमाटर लेंगे, उनको भी पीस लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। और इसमें प्याज की पेस्ट डाल देंगे और इनको भूनेंगे। आंच को मध्यम रखेंगे और बीच बीच में प्याज को हिलाते रहेंगे। अभी प्याज का रंग बदलना शुरू हो गया है और तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमने सोया में भी हल्दी डाली हुई है, वो ध्यान रखना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1 पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि इसको भी हम सोया की पेस्ट में डाल चुके हैं। अब टमाटर को भूनेंगे हम जब तक इसका पानी सूख जाए। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए हमारा टमाटर भुन गया है, टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप मटर डालेंगे। मैं इसमें फ्रोजन मटर डाल रही हूँ। मटर डालकर एक बार फिर इसको हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हमारे मटर थोड़े गल गए हैं। अब हम इसमें सोया का पेस्ट डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना करें और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे।
अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। फिर से इसको मिक्स कर देंगे। आंच को एकदम कम करेंगे और इसको ढक देंगे। धीमी आंच पर इसको 5-7 मिनट तक पकाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पानी सूख रहा है। थोड़ा हिलाएंगे। हमारा सोया कीमा तैयार है। बस इसको थोड़ा और सूखा करना है। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और जिंजर जूलियन डालेंगे, यानी अदरक के कटे हुए पतले लंबे पीसेस। स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे। उन सबको मिक्स कर देंगे। हमारा वेज सोया कीमा तैयार है। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप भी ये सोया कीमा बनाइए और इसका आनंद लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।